बीए एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर इंटरनेशनल रिलेटेड सॉल्व क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर वन, स्टार्ट वन एंड स्टार्ट टू संधियां किन के बीच की गई? आंसर, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। क्वेश्चन नंबर टू, वेस्टफालिया कहाँ है? आंसर, जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन, मार्शल योजना किससे रिलेटेड है? आंसर इज इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिएगो गार्सिया अमेरिका का नौसेना केंद्र कहाँ है? आंसर इज इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CERN का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर इज जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? आंसर इज 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 1 मई 1974 को वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें NIEO की स्थापना की घोषणा की गई? आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाली ट्रीटी किन दो देशों के बीच व्यापार संबंध सुधारने के लिए साइन की गई थी? आंसर इज इंडिया एंड नेपाल के बीच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? आंसर इज 1945। इवन भारत जो है वो संस्थापक देशों में से एक है यूएनओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है बेलग्रेड में हुआ था फर्स्ट गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया प्लस थ्री में कौन से देश आते हैं? आंसर इज चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस भारतीय लीडर के अंतर्गत कच्छ त्यू श्रीलंका को दे दिया गया था? आंसर इज इंदिरा गांधी ही उस समय प्रधानमंत्री थी जिनके अंतर्गत ये द्वीप समूह दिया गया था श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से उस एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का नाम बताएं जो G20 में शामिल है। इसका आंसर है इंडोनेशिया। ये G20 देशों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उदारवादी परिपेक्ष के विकास में कौन इंपॉर्टेंट पर्सन है? ए थॉमस हॉब्स, बी वुड्रो विल्सन, सी हैंस जे मोरगोथन, डी हैनर किंग किसिंगर। आंसर इज हैंस जे मोरगोथन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बुक किसने लिखी है? आंसर इज क्विंसी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय शक्ति का मुख्य है ए पॉपुलेशन, बी टेक्नोलॉजी, सी आइडियोलॉजी, डी ऑल। आंसर इज डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसने कहा है? ए मोरगोथन कैपलन। आंसर इज बी मोरगोथन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शीत युद्ध से ध्वनित होता है डी ऑल। आंसर इज डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्ट वन समझौता कब हुआ था? आंसर इज 1972 अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्टिन कैपलन के अनुसार इंटरनेशनल बॉडीज में कितने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक्सप्लेन की गई हैं? आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पवित्र रोमन साम्राज्य किस दुर्दशा का उदाहरण है, किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? सॉरी, आंसर इज डी शक्ति दृष्टिकोण का उदाहरण है। समीक्षात्मक सिद्धांत कब विकसित हुआ? फ्रैंकफर्ट स्कूल में।
यूएनओ की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मीटिंग गुट निरपेक्ष देशों की कहाँ हुई है? थी बिलग्रेड, सितंबर 1961 में। यूएनए का कौन सा आर्टिकल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए? आर्टिकल 64। नेक्स्ट क्वेश्चन गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन जैविक युद्ध कर का कारक नहीं है? आंसर इज ताबूर ऑब्लिक तैबून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाटो की स्थापना कब हुई? आंसर इज 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर इज मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी कौन सा देश है हाल ही में यूएनओ का मेंबर बना है? साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकल गोमेज इंट्रोड्यूस्ड पेरिस्ट्रोकिस एंड ग्लेनोस्ट इन द ईयर? आंसर इज 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आसियान में कितने देश हैं? आंसर इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियो मार्क्सिस्ट सीज इन विच फॉर द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन? हेयर द आंसर इज डेवलपमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल में टेम्प्रेरी मेंबर का कार्यकाल कितने टाइम के लिए होता है? आंसर इज 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटी काउंसिल का कौन परमानेंट मेंबर नहीं है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, अमेरिका। आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण और विकास यूएनओ समिट को क्या कहते हैं? आंसर इज अर्थ। अर्थ समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सार्स फाउंडेड इन विच कंट्री? आंसर इज ढाका, बांग्लादेश। ये 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चर्चिल, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, ने किस प्लेस पर कोल्ड वॉर की स्पीच दी थी? आंसर इज फुलटॉन में दी थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? आंसर इज 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमास आतंकी संगठन कहाँ का है? आंसर इज पैलेस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएनओ मेंबर कितने हैं प्रेजेंट में? आंसर इज 193 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्स कौन था? आंसर इज अबुल अल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आसियान हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर इज जकार्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया चाइना युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रपोजल लाया गया था? आंसर इज कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? आंसर इज सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ यूएनओ? आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंप डेविड फॉर सॉल्विंग विच प्रॉब्लम? आंसर इज आतंकवाद की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन जनरल सेक्रेटरी बनाता है यूएनओ के? आंसर इज जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर इज न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ? आंसर इज अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट आसियान समिट हेल्ड इन विच कंट्री? आंसर इज बाली, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटी काउंसिल के लिए कितने टेम्प्ररी सदस्य हैं? आंसर इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक कंटेम्प्रेरी थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन किसने लिखी है? आंसर इज स्टैनले हॉफमैन। हॉफमैन या नेक्स्ट क्वेश्चन इज सौदेबाजी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आंसर इज थॉमस शेलिंग। ये लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसके मैंने सॉल्व आंसर्स देने की कोशिश की थी।